तो बेसिकली आज हम बात करेंगे रिकॉर्ड सेट के बारे में, अच्छा एक्सेस के अंदर रिकॉर्ड सेट के बारे में। जैसे मान लीजिए कुछ डेटाबेस में मुझे एडिट करना है, जैसे मान लीजिए नहीं, जैसे पूजा है ना, मुझे उसको पूजा सिंह करना है, तो कैसे करें इसके लिए? तो बेसिकली इसके लिए हम जो है यहाँ पे सबसे पहले फाइल के ऑप्शन में आते हैं, कस्टमाइज रिबन, इसमें नहीं है, तो हमें यहाँ पे अल्ट एफ 11 का प्रेस करके हमें वी प्रोग्रामिंग को लेनी होगी। जैसे आपने देख लिया, फिर इंसर्ट करके एक नया मॉड्यूल्स लेना होगा, फिर एक मैक्रो बनाते हैं कि सब आर आर स्लैश वन एज ए नाम दे दिया। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे किया कि डिम डीबी डीबी एज ए डेटा बेस, और फिर डिम आर एस एज ए रिकॉर्ड सेट, राइट। अब यहाँ पे सेट करते हैं क्योंकि डिम हमने माना है ना, लेकिन कौन सा डेटाबेस है? तो अगर कोई आपके पास स्पेशली किसी फाइल में पड़ा हुआ डेटाबेस है तो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पे देता हूँ करेंट डीबी, मतलब कि करेंट डेटाबेस, समझ गए? समझ गया सर। और सेट आर एस इक्वल टू हमने बोला कि डीबी डॉट ओपन रिकॉर्ड सेट कौन सा, अब आपको टेबल नेम देना होगा जिस टेबल का रिकॉर्ड देना चाहते हैं, डी टी एम आ रहा है, ठीक है, डी और टी, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा में हम इसको डालेंगे, समझ गए? समझ गया सर। अब मान लीजिए मुझे इतना पता करना है कि इसके कितने टोटल काउंट्स हैं, मान लीजिए टोटल डेटा कितना है, तो एम एस जी बॉक्स यहाँ पे दे देते हैं आर एस डॉट रिकॉर्ड काउंट इक्वल टू, हमने दे दिया, तो यहाँ पे लिख भी सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ रो। अब मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे एक मैसेज बॉक्स में 790 शो होगा। अब मैसेज बॉक्स में ही क्यों, इसको आप यूजर फॉर्म अगर कोई क्रिएट करते हैं, जैसे यूजर फॉर्म ने क्रिएट किया ब्लैंक डिजाइन फॉर्म, ठीक है, और इसमें मान लीजिए कि हम एक बटन देते हैं, बटन फ्लैश को हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं टोटल डेटा, अब इसके ऊपर इवेंट में ऑन क्लिक दिख रहा है, ऑन क्लिक इवेंट प्रोसीजर, हाँ हाँ ऑन क्लिक, हाँ क्लिक कीजिए, और यहाँ पे अपने मॉड्यूल्स में जो माइक्रो हमने बनाया है आर आर वन, उस आर आर वन को मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ, बस नाम लिख दीजिए कॉल किया, या पूरा का पूरा कोड भी आप लिख सकते हैं, यस टू ऑल कीजिए क्योंकि मॉड्यूल्स को भी सेव करना होगा, ठीक है, ओके ठीक है, आ गया, आ गया। अब मैं अगर फॉर्म वन पे आता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो देखिए मैसेज बॉक्स में दिखा, समझे? अगर मान लीजिए मुझे इसमें फाइंड करना है, मुझे पता करना है कि मेरे रिकॉर्ड के अंदर में मान लीजिए कि पूजा का रिकॉर्ड है या नहीं है, है तो टोटल रिकॉर्ड कितना है पूजा का, तो इसके लिए हम लूप लगाएंगे, देंगे कि फोर आई इक्वल टू चले 02 डीबी डॉट रिकॉर्ड से रिकॉर्ड रिकॉर्ड काउंट होगा ना, नहीं रिकॉर्ड काउंट नहीं है ना सर, रिकॉर्ड सेट काउंट, माइनस जिसको आर करता हूँ,
सॉरी आर एस होगा, डी बी नहीं होगा, माफ़ कीजिएगा मैं गलती कर दी है, आर एस डॉट रिक्वेस्ट डॉट काउंट माइनस वन। यहाँ पे कंडीशन देंगे कि इफ आर एस डॉट फील्ड्स, फील्ड्स में हमने यहाँ पे दे दिया भाई नेम का फील्ड्स, एक मिनट, हेलो जी जी करिए, मैं आपको 10 मिनट कॉल बैक करता हूँ क्लास में से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने कर दिया m इक्वल टू m प्लस वन, राइट, और यहाँ पे जस्ट एलिफ और नेक्स्ट i, और लास्ट में हम यहाँ देते हैं एम एस जी बॉक्स। यहाँ लिखते हैं कि पूजा टोटल काउंट इज, और फिर एम परसेंट एम ले लेते हैं, राइट। अब मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ दिखाएगा पूजा टोटल काउंट 790, नहीं तो टोटल आ गया, ये टोटल भी तो पूजा यही था m इक्वल टू m प्लस वन, ओके एक मिनट, डिम m एज ए इंटीजर, तो भी हो गया, इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि डेटा मेरा टोटल 790 है, टोटल डेटा दे रहा है, मुझे पूजा का डेटा चाहिए ना, ओके इसको एक बार सेव करना होगा, हो जाइए एक बार फॉर्म को क्लोज करके ओपन कीजिए, आप ओपन कीजिए, फिर भी 790 आ रहा है, फील्ड्स नहीं होगा, फील्ड्स इसमें मैं नेम दे दिया, नेम इक्वल टू पूजा देन, सर अपन नेम कोई पन भी डाल सकते, पूजा डाला समझो उधर से कोई डाल के भी काम कर सकते हैं ना सर, ये फिर करता हूँ देखता हूँ। अच्छा ये कंडीशंस को मैच ही नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा डेटा में आप देखें ये पहला पूजा ऐसा ही है, दूसरा भी हमारा पूजा ही है, दूसरा कोई देखिए पूजा ही ले रहा है, सबको ये इक्वल समझ रहा है, ओ सॉरी इसमें हमने ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है, हमने यहाँ पे एंड इफ करने के बाद हमने एक चीज नहीं किया है, वो किया है आर एस डॉट मूव नेक्स्ट, समझ में आया सर, अब आया 68, हाँ सर,
तो मूव नेक्स्ट क्या करेगा, जैसे कि अगर हमने मूव नेक्स्ट नहीं किया तो एक ही फील्ड की एक ही वैल्यू पूजा पहली वैल्यू को वो 790 बार चेक कर रहा है और 790 बार चेक करने के बाद रिजल्ट दे रहा है। अच्छा सर, मेरा कहना ये है कि जो फील्ड में नेम डाला है वो स्टार डॉट स्टार करके समझो उधर से अपन कोई भी नाम चेक सिलेक्ट करके कितना काउंट उधर देखना है रहेगा। तो आप जैसे आप चाहते हैं कि मैं फॉर्म के ऊपर नाम डालूं, ये बोल रहे हैं आप, मान लीजिए कि यहाँ पर है तो मैं इसके डिजाइन व्यू में आता हूँ और मैं यहाँ पे नाम सिलेक्ट करना चाहता हूँ। यहाँ मान लीजिए यही हमारा टेक्स्ट बॉक्स है और टेक्स्ट बॉक्स में हमने लिया और मैं चाहता हूँ टेक्स्ट बॉक्स में जो नाम डालूँ उसका टोटल काउंट मुझे मैसेज बॉक्स में शो होनी चाहिए फिलहाल, ठीक है ना। एंटर नेम, ठीक है। अब इसका नाम जो है ना, मैं यहाँ पे ऑल पे आगे टेक्स्ट वन की जगह पे एन कर देता हूँ ताकि आगे कोड में दिक्कत नहीं होगी और यहाँ पे हम नाम देने की जगह पे यहाँ लिखते हैं form_form1.nn.text, ठीक है ठीक है। अब इसको यहां से क्लोज करता हूं फॉर्म वापस, मान लीजिए मैंने यहां पे दे दिया पूजा ही नहीं हमारे फिलहाल डॉट वैल्यू करता हूं आगे से डॉट टेक्स्ट नहीं देना पड़ेगा डॉट वैल्यू क्या करेंगे आप डॉट। और सर दूसरा एक अपने काउंट किया नंबर बराबर और उसके अंदर बॉक्स में पूजा का वो डेटा जो है वो शो करने के लिए। हाँ वो भी हम बताते हैं आपको। अब जैसे कि आपने पूछा कि डेटा के टोटल आना चाहिए तो जैसे मैं सम किया इसे टोटल कर लेंगे पूरा टोटल डेटा आता है और उसका डेटा आके उसका सम होना चाहिए। अब इसे मुझे अगर ऐसा करना है तो कुछ खास नहीं करना होगा, हमें क्या करना होगा कि m=m+rs.fills और फील्ड्स में क्या है कौन सा फील्ड का टोटल चाहिए आपको, तो मान लीजिए मुझे यहाँ जैन का टोटल चाहिए राइट, तो इन्वर्टर कुमार में जैन, बस सिंपल सा हमें कर देना है राइट। अब आइए फॉर्म पे पूजा एक मिनट दीजिए क्या हो गया, अच्छा ओवरफ्लो इंटीजर है ना इसलिए यहाँ पे इसको देना होगा लॉन्ग क्योंकि इंटीजर 32,000 समथिंग लेता है ना इसलिए। अब आ गया सर ओके ठीक है। हाँ अब ठीक है सर, मेरे को सर क्या करना है सर, अपन जो पूजा अपन इधर डाला है बराबर है
तो जो डेटा है और डेटा जो सारा है उसको पूजा का ऊपर क्लिक करेगा ना, तो इसका पूजा का डेटा शो होना चाहिए। अच्छा, आप चाहते हैं उसका पूजा का डेटा शो करना, राइट? हाँ, डेटा शो होना चाहिए, कहीं सर्च वगैरह फाइंड करते हैं ना, समझो वो भी हम कितना डे, हाँ वो भी हम बताएंगे आपको, सबक दीजिए, ठीक है। और फिलहाल जो है ना, हम मान लीजिए कि पूजा के अंदर में जितना सिटी है ना, मुझे सिटी शो करना है, समझ? और सिटी शो करना है वो भी लिस्ट बॉक्स में, किसमें? लिस्ट बॉक्स में। तो हमें यहाँ पे लिस्ट बॉक्स ले लिया, बट प्रॉब्लम ये है कि मेरे डेटा में यूनिक है, समझ गए सर? लिस्ट थ्री के नाम पर सिटी कर देता हूँ, मेरे डेटा में यूनिक है। तो यहाँ हम कोड के अंदर थोड़ा सा चेंज करेंगे, ए हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे हम देते हैं ऊपर में कि डिम डी टी एज ए न्यू कलेक्शन, क्या किया हमने? न्यू कलेक्शन। फिर यहाँ पे हम करते हैं डी टी डॉट एड, क्या ऐड होना चाहिए? तो हमने लिखा आर एस डॉट फील्ड्स और इसमें हमने दे दिया सिटी और फिर कॉमा की में हम यहाँ पे लिखते हैं सी एस टी आर, क्योंकि एस टी आर का है ना, नंबर नहीं है, तो सी एस टी आर हमने यहाँ पे दे दिया आर एस डॉट फील्ड्स और यहाँ पे सिटी। तो जितनी वैल्यू होगी एक एक करके आ जाएगा कहाँ पे, अच्छा ब्रैकेट, यहाँ इसकी ब्रैकेट डाले, ओके। अब जैसे डुप्लीकेट एरर आएगा यहाँ पे एरर आएगा, तो यहाँ हम दे देते हैं ऊपर में ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, समझ गए? इन दोनों को काट के दोबारा से करो, और लास्ट में मुझे तो चाहिए लिस्ट बॉक्स में ऐड करना, तो यहां लिखेंगे हम फॉर ईच आइटम इन डी टी और यहां पे लिखेंगे मी सॉरी फॉर्म अंडरस्कोर फॉर्म वन इक्वल टू डॉट फॉर्म वन डॉट सी टी डॉट एड आइटम और एड आइटम में हमने कर दिया आइटम और नेक्स्ट आइटम, ठीक है? ठीक है, इसको देखते हैं करके कवर करके करता है कि नहीं करता। अब मैंने यहाँ पे लिखा पूजा, नहीं है यहाँ पे लिखा वो अपने वो लिस्ट पे किया है ना, नाम चेंज करना पड़ेगा ना, नहीं मूव नेक्स्ट तो किया हुआ है, जैसा अपने फॉर्म का एन एन करके लिखा हुआ ऐसा उस पर लिखना नहीं पड़ेगा सर? कहाँ पे? तो फॉर्म अंडरस्कोर फॉर्म वन डॉट एन एन लिया है ना, ये सिटी है ना, कोई और तो सिटी की जगह पे सिटी है, तो सिटी है। अच्छा एक बार देख लेते हैं, एफर्ट कर ले,
ये आपका जो ऐड आइटम है ना, हम्म, उसी में प्रॉब्लम है सर। डेटा तो हमने निकाल लिया, जितने में लिस्ट थी वो आइटम पे हमारा सिटी पे ऐड हो गया, डीटी पे सॉरी, बट यहाँ पे आइटम ऐड करने में प्रॉब्लम हो रही है। सही तो है, अच्छा इंडेक्स में आ रहे थे। फॉर्म वन डॉट एड आइटम, आइटम लिस्ट बॉक्स में आइटम करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। एड आइटम फॉर्म डॉट बॉक्स, फॉर्म वन करके करना पड़ेगा ना सर, वो हम्म, फॉर्म डॉट फॉर्म एनएन जो नाम इसमें दिया है ऐसा सिटी उसका भी वो डॉट नाम देना पड़ेगा ना सर। लिस्ट, लिस्ट में नहीं आ रहा, सिटी डॉट लिस्ट इंडेक्स आएगा ना, डेटा लिस्ट इंडेक्स अलग चीज हो गया सर। एड आइटम्स आना चाहिए क्योंकि एड आइटम हो जाता है, बट इसमें एड आइटम वर्क नहीं कर रहा है। कुछ और होगा, मैं इस पे कल ढूंढ के आपको देता हूँ सर।